हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हिस्टोपैथोलॉजी 4 मार्क्स आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी कि जो अपकमिंग आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं उनमें हेल्प के लिए ये क्वेश्चंस पैटर्न बनाया गया है। अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो आपके जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज होंगे और अच्छे नंबर के साथ आप पास हो सकते हो एग्ज़ाम्स में। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आई थिंक ये सभी क्वेश्चंस आपके पास लिखवाए हुए हैं तो आप इससे प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। और जिसके पास नहीं है नोट्स नहीं है वो अपनी बुक से इनको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें आपका यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी कि माइक्रोस्कोप क्या है, उसके यूजेस क्या हैं हिस्टोपैथोलॉजी में, हम उसके यूज़ क्या करेंगे। उसके बाद सेकेंड है केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ माइक्रोस्कोप गिवन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी कि जो माइक्रोस्कोप हैं उनकी केयर मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं हम और उनके प्रिंसिपल क्या हैं। नीचे दिए गए हैं कौन कौन से माइक्रोस्कोप हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और इसमें आप ऐड कर सकते हो लाइट माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, गिव वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल स्टेन्स, कि भी स्पेशल स्टेन्स जो है हमारा चैप्टर नंबर 2 है उसमें स्पेशल स्टेन्स हैं तो उनके वर्किंग प्रिंसिपल्स क्या हैं उसके बारे में उनको याद कर लेना, वो इम्पोर्टेंट हैं। बहुत ही क्वेश्चंस आएंगे आपके, कंप्लीट स्टेन्स तो आएंगी 10 मार्क्स में, बट जो उनके वर्किंग प्रिंसिपल्स हैं वो आपके 4 मार्क्स में आएंगे। इसमें से कम भी 2-3 स्टेन्स के वर्किंग प्रिंसिपल्स एग्जाम्स में आ जाते हैं। तो इसमें है सिल्वर इम्प्रेगनेशन स्टेन, जिलनेसन स्टेन, ग्राम स्टेन, ओयल रेड ओ स्टेन, पीएस स्टेन, प्रोडिक एसिड सेफिस स्टेन बोलते हैं इसको, एचएनडी हेमाटोक्सिलिन एंड ईओसिन स्टेन, मे ग्रेनवाल्ड जिमजा स्टेन और पेपनिक्लो स्टेन, ठीक है। तो ये सभी स्टेन्स हैं, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और इन सभी के यूजेस जो हैं मैंने प्रीवियस वीडियो में बताए हुए हैं, जो एक एक नंबर के इनके यूजेस हैं भी, कौन सी स्टेन को कहाँ पे यूज किया जाता है, जैसे कि ऑयल रेड ओ स्टेन को फैट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जिलनेसन स्टेन जो है उसको एसिड फास्ट बैक्टीरिया के लिए किया जाता है, ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव के लिए ग्राम स्टेन को यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से आप इसकी यूजेज भी प्रिपेयर कर सकते हैं प्रीवियस वीडियो में जाके। उसके बाद नेक्स्ट है फॉलोइंग, एक्सप्लेन द फॉलोइंग्स, कुछ टर्म्स हैं या कुछ प्रिंसिपल हैं, जैसे कि डी कैल्सिफिकेशन का प्रिंसिपल, कि वो डी कैल्सिफिकेशन कैसे करेंगे। डी कैल्सिफिकेशन क्या होता है, वो प्रोसेस जिसके अंदर हम क्या करते हैं, टिश्यू के अंदर से कैल्शियम को रिमूव करते हैं, तो उसका प्रिंसिपल क्या है वो बताना है यहाँ पे। उसके बाद चॉइस ऑफ डी कैल्सिफाइंग एजेंट्स, कि भाई जो डी कैल्सिफाइंग एजेंट है उसको हम किस बेस पे उसकी चॉइस करेंगे, वो अच्छा होना चाहिए, वो गुड प्रिजर्वेटिव होना चाहिए, वो हमारे स्ट्रक्चर्स को ना चेंज करे, टिश्यू को हार्ड ना करे, ठीक है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए हम जो है डीकैल्सिफाई एजेंट जो है उनका उनको चूज करेंगे। उसके बाद आइडियल डीकैल्सिफाइंग एजेंट, कि भी आइडियल कैसे होने चाहिए, ठीक है, कि भी किस टाइप के जो है कैल्सिफाइंग एजेंट होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट एक्सप्लेन सम इम्पोर्टेंट स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड डीकैल्सिफाइंग एजेंट विद देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, कि भी कौन से, जैसे क्या है कि हम जो डीकैल्सिफिकेशन एजेंट हैं उसको हम जब क्लासिफाई करते हैं तो उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 होता है स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड, और 2nd होता है हमारा वीक ऑर्गेनिक एसिड, और 4th होता है हमारा चिलेटिंग एजेंट, ठीक है, या चिलेटिंग केमिकल्स, ठीक है। तो फर्स्ट जो स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड्स होते हैं उसमें कौन कौन से डीकैल्सिफाई एजेंट्स को यूज करते हैं, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखने हैं, उसकी कंपोजिशन भी लिखनी है, उसकी पहले उसकी कंपोजिशन लिखनी है, उसके बाद उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखने हैं। तो इसमें क्या है, फॉर्मिक नाइट्रिक एसिड, एबनर फ्लूड, जेंकिन फ्लूड, एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये जो हैं इम्पोर्टेंट हैं। देखो आ दूसरे भी सकते हैं बट ये क्या है, इम्पोर्टेंट हैं, इनमें से कोई ना कोई आपको 4 नंबर में देखने को मिल जाएगा एग्जाम्स में। उसके बाद है एक्सप्लेन सम इम्पोर्टेंट वीक ऑर्गेनिक एसिड डीकैल्सिफाइंग एजेंट विद देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, तो इसमें क्या है, बोवियन सॉल्यूशन है,
फॉर्मिक एसिड फॉर्मलिन है, एक्वस फॉर्मिक एसिड है, ठीक है, इनमें से कोई ना कोई मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ डीकैल्सिफिकेशन, भी कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंसिंग करेंगे किसको, डीकैल्सिफिकेशन रेट को। जैसे कि डीकैल्सिफिकेशन रेट के लिए हम किसका यूज करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली हम यूज करते हैं किसका, इसमें लाइक ए टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर मेन रोल प्ले करता है। तो इसी तरह से हम उसके जो कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करेंगे उसके बारे में हम इसमें लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम, व्हाट इज़ फ्रीजिंग माइक्रोटोम, डिस्कस इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। फ्रीजिंग माइक्रोटोम, फ्रीज इसके नाम से ही पता चलता है, फ्रीजिंग माइक्रोटोम यानी कि वो इंस्ट्रूमेंट जिसकी हेल्प से हम थिन सेक्शन कटिंग करते हैं। फ्रीजिंग यानी कि जिसमें हम फ्रीज करके टिशू को, डायरेक्टली फ्रेश टिशू को फ्रीज करके हम जिसमें कटिंग करते हैं, तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है वो लिखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनलिस्ट वेरियस स्टेप ऑफ द टिश्यू प्रोसेसिंग, ब्रीफ डिस्कस एनी टू, कि हमने एक सूची बनानी है, एक लिस्ट बनानी है, ठीक है, कि भी कौन कौन से स्टेप्स हम टिश्यू प्रोसेसिंग में यूज करते हैं, जैसे फिक्सेशन, डिहाइड्रेशन, इम्बेडिंग, इम्प्रेगनेशन, कलरिंग, ठीक है। उसके बाद किसी दो को हमने ब्रीफली डिस्कस करना है, दो के बारे में बताना है कम्प्लीटली, ठीक है। उसके बाद है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फ्रोजन सेक्शन कटिंग, कि भी फ्रोजन सेक्शन की कटिंग कैसे करेंगे उसके प्रोसीजर को बताना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्कस इन डिटेल एच एंड डी मेथड फॉर स्ट्रेनिंग फ्रोजन सेक्शन, कि भी फ्रोजन सेक्शंस को जो स्ट्रेन करते हैं हम वो किससे करते हैं, एच एंड डी स्ट्रेन से, तो उसके प्रोसीजर के बारे में या उसके मेथड के बारे में बताना हमें कैसे करेंगे। राइट, शॉर्ट नोट ऑन केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ माइक्रोटोम, कि जो माइक्रोटोम है उसकी केयर और मेंटेनेंस कैसे करेंगे। यहाँ माइक्रोटोम की जगह वो फ्रीजिंग माइक्रोटोम भी दे सकता है, वो क्रायोस्टेट माइक्रोटोम भी दे सकता है, वो किसी भी टाइप का या किसी भी नाम को इसके सामने जोड़ सकता है भी इस माइक्रोटोम की, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन बनता है केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ माइक्रोस्कोप, वो लाइट माइक्रोस्कोप हो सकता है, वो पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप हो सकता है, वो डार्क माइक्रोस्कोप हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, गिव द प्रोसीजर ऑफ पीएस स्टेन, कि पीएस स्टेन का प्रोसीजर क्या है, कि पहले हम जो स्लाइड है उसको ड्राई करेंगे, फिर उसको हाइड्रेट या डिहाइड्रेट करेंगे, उसके बाद जो है हम उसके ऊपर स्टेन पुट करेंगे, फिर उसको वॉश करेंगे, जो भी उसका प्रोसीजर होता है, जो जो रीजेंट उसमें यूज किए गए हैं उन सभी को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, हाउ विल यू प्रिजर्व म्यूजियम स्पेसिमिन, कि भी आप म्यूजियम स्पेसिमिन को कैसे प्रिजर्व करेंगे, कि म्यूजियम के अंदर जो स्पेसिमिन आएगा उसको आप कैसे प्रिजर्व करेंगे उसके बारे में बताना है, उसमें कौन से प्रिजर्वेटिव हम यूज करते हैं। उसके बाद बात आती है एक्सप्लेन ऑटोमेटिक नाइफ शार्पनर, कि जो ऑटोमेटिक नाइफ शार्पनर है उसको एक्सप्लेन करना है भाई, उसका यूज कैसे करेंगे, उसमें कौन से स्टेन्स यूज लगे होते हैं या कौन से लेदर उसके अंदर लगे होते हैं जिससे हम उसको शार्प करते हैं, कितने टाइम तक यूज कर सकते हैं, उसके बेनिफिट क्या हैं, ये सभी उसमें लिखना है। गिव द प्रिंसिपल ऑफ केसरलिंग सॉल्यूशन वन, ठीक है, इसमें केसरलिंग सॉल्यूशन वन को एक्सप्लेन करना है, और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट है केसरलिंग फोर सॉल्यूशन भी इसमें इंपॉर्टेंट है, उसके रोल क्या है, किसके लिए हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद गिव द प्रोसीजर ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वेजाइनल स्मीयर, कि वेजाइनल सेक्रीशन से हम स्मीयर कैसे प्रिपेयर करेंगे और उसको फिक्स कैसे करेंगे, ठीक है, ये इसमें एक्सप्लेन करना है पूरा। गिव द प्रोसीजर ऑफ एल्कन ब्लू स्टेन, एल्कन ब्लू स्टेन का प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है, कि भी उसको कैसे कैसे किस किस स्टेप के साथ हम उसको परफॉर्म करेंगे, स्टेन कैसे करेंगे। एक्सप्लेन द केयर ऑफ माउंटेड स्पेसिमिन, कि भी हम माउंटेड स्पेसिमिन जो है हमारे पास जिसको हमने माउंट कर दिया है उसकी केयर कैसे करेंगे, वो खराब ना हो इसलिए, ठीक है, वो खराब ना हो या उसमें स्पेसिमिन के अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेज ना हो, ठीक है, या स्वेल ना हो या उसके अंदर कोई भी चेंजेज ना हो, उसके लिए हम माउंटेड स्पेसिमिन की केयर कैसे करेंगे। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ऑटोमेटिक स्टेनिंग मशीन, क्योंकि जो ऑटोमेटिक स्टेनर है उसके वर्किंग को एक्सप्लेन करना है, वो कैसे काम करेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन बनता है इसमें, यूजेज
या बेनिफिट ऑफ ऑटोमेटिक स्टेनर मशीन कि भी उसके बेनिफिट क्या है, बेनिफिट क्या है उसमें, क्या कि हम उसमें जो भी लेस मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम 24 आवर यानी कि इवनिंग में स्टार्ट करके सुबह तक जो है हमारी स्टेन मिल जाती है, उसमें कम समय लगता है और उसमें प्रॉपर स्टेन होती है, ठीक है, किसी भी मिस स्टेप के मिस होने के चांसेज नहीं होते, यानी कि ह्यूमन एरर के चांसेज नहीं होते, ठीक है, इस तरह से हम इसमें लिख सकते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ फिक्सेशन ऑफ साइटोलॉजिकल स्पेसिमिन कि जो साइटोलॉजिकल स्पेसिमिन है उसकी हम फिक्सेशन कैसे करेंगे, उसको फिक्स कैसे करेंगे या उसके लिए कौन कौन से फिक्सेटिव हम यूज करते हैं उसके बारे में लिखना है। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन द मैलेग्नेंट सेल्स एंड नॉर्मल सेल्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सभी एग्जाम्स में देखने को मिलता है, हर साल जब एग्जाम्स होते हैं तो उसमें ये क्वेश्चंस आता ही आता है, डिफरेंस बिटवीन द मैलेग्नेंट सेल्स एंड नॉर्मल सेल्स यानी कि कैंसरस सेल और नॉर्मल सेल के बीच में डिफरेंस क्या है, उसको हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राइट द यूजेस ऑफ द हार्मोनल असेसमेंट प्रेगनेंसी टेस्ट लिख के बारे में बताना इसमें कि उसको कैसे यूज करेंगे, ठीक है, इसमें यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में लिखना है, उसको एक्सप्लेन करना है कंप्लीट। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एफएनएससी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर कि जो हम एफएनएससी करते हैं उसके इम्पोर्टेंस क्या है, क्लिनिकल इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, ठीक है, वो लिखनी है। उसके बाद कुछ नोट्स हैं, शॉर्ट नोट भी लिख सकते हैं, दे सकता है एग्जामिनर उसमें, इक्विपमेंट फॉर बायोप्सी या फिर ऐसे दे सकता है इन लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट फॉर बायोप्सी, ठीक है, कि भी कौन कौन से इक्विपमेंट हम बायोप्सी में यूज करते हैं। उसके बाद केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बायोप्सी आइटम्स कि बायोप्सी के अंदर जो आइटम्स यूज करेंगे या जो इक्विपमेंट यूज करेंगे उनकी केयर और मेंटेनेंस कैसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद है राइट डाउन द एडवांटेज ऑफ एफएनएससी कि भी एफएनएससी की एडवांटेज क्या है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और बन सकता है, एग्जामिनर जो है आपको परफॉर्मा दे सकता है ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, जिसके अंदर आपको उसकी डिटेल्स भरनी है कि हम पेशेंट्स की डिटेल कैसे कलेक्ट करेंगे, पेशेंट परफॉर्मा, ठीक है। उसके बाद राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ द फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी ये एडोर्बेशन नहीं है, यहाँ पे एस्पिरेशन आएगा, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी एफएनएससी, ठीक है, उसका प्रिंसिपल लिखना है भी उसको, उससे हम जो है सैंपल को कैसे कलेक्ट करेंगे, किस बेस पे काम करेगी, कैसे हम सैंपल को कलेक्ट करेंगे, वहाँ से नीडल को कैसे इंसर्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद है व्हाट आर द गोल ऑफ ऑटोमेशन इन साइटोलॉजी कि भी साइटोलॉजी के अंदर ऑटोमेशन लेके आने का गोल क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, अगर हमारी साइटोलॉजी में हम ऑटोमेशन यूज करते हैं तो उसका महत्व क्या है। इन लिस्ट वेरियस ऑटोमेटिक डिवाइस करंटली अवेलेबल, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है वो, करंटली जो भी ऑटोमेटिक डिवाइस हम हिस्टोपैथोलॉजी लैब में यूज करते हैं, ठीक है, उसकी लिस्ट बनानी है, उसके नाम लिखने कौन कौन से हैं वो, ठीक है, चाहे वो ऑटोमेटिक स्टेनर है, चाहे वो ऑटोमेटिक शार्पनर है, चाहे वो ऑटोमेटिक स्टेनर हो गया, शार्पनर हो गया, ऑटोमेटिक हमारे माइक्रोटोम्स हो गए, ठीक है, इस तरह से जो जो इक्विपमेंट ऑटोमेटिक इक्विपमेंट हम यूज करते हैं उनकी लिस्ट इसमें लिखनी है, कौन कौन से ऑटोमेटिक डिवाइस अभी फ़िलहाल करंटली हिस्टोपैथोलॉजी के लिए अवेलेबल हैं। तो सो गाइज, आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे जो मैंने अभी ब्रीफ किया इसमें, ठीक है, तो आप इनके इनकी प्रिपरेशन करिए अच्छे से, ये आपके एग्ज़ाम्स में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और फिर भी अगर किसी को कुछ नहीं पता चलता है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकता है, उसकी जो भी क्वारी होगी उसको पूरा किया जाएगा। और जिन भी स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अदर स्टूडेंट्स को शेयर करें, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में बहुत बहुत हेल्प करने वाले क्वेश्चंस हैं, इससे आप अच्छे नंबर ले सकते हो इनकी प्रिपरेशन करके, ठीक है। तो होप सो आपको समझ में आएंगे, थैंक यू।